गाइस वेलकम अगेन। आज हम कस्टमाइजेशन करेंगे इस फाइनसॉफ्ट डिज़ाइन के प्लस यूआई का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनू वेनू सब है, तो इन सबको हम कस्टमाइज़ करेंगे, एकदम फुल कस्टमाइजेशन होगा। तो चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो थीम है उसको पहले अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं लगाएंगे तो हमारा कस्टमाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो अच्छे से नहीं बीत पाता है। तो पहले मेरे पास ये ब्लैंक थीम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये थीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसको डाल देने के बाद ये सेव हो जाता है। उसके बाद जब आप रिस्टोर करेंगे तो ओरिजिनल कोड्स आते हैं केवल, मतलब आपको कचरा उचरा नहीं आएगा यहाँ पे। तो हमने ये प्लस यूआई का रखा था, ये हमको किस साइट से मिला है। और इस वीडियो को बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसके जो डेवलपर है वो बोलते हैं कि नहीं ये प्रीमियम है, तो आप इसका कुछ मतलब बता नहीं सकते। अगर उनको दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं वीडियो को। हमने स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया है, कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब मेनू है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सब मेनू है, और यहाँ पे पहले आपको कुछ दिखा दे फीचर्स, ये सब देख सकते हैं। आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है ऊपर, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर से बुकमार्क, सबको पता है यार इसमें इतने सारे फीचर्स है। ये कलर्स का फीचर्स है और भी बहुत सारा फीचर्स है। बुकमार्क के ऑप्शन में आप जाकर अपना मतलब बुकमार्क करके रख सकते हैं। बुकमार्क से क्या मतलब है यहाँ पे मेरे को नहीं पता है। ये नीचे आपको कुछ कुछ मिल रहे हैं, तो इनको पहले ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो है ये सेटिंग वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। स्टेट्स का है एक, ये पोस्ट का है, ये एडिट पोस्ट का है, मतलब पोस्ट को एडिट करना है तो आपको इस बटन को क्लिक करके इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से स्टेट्स मतलब कितना इसमें ट्रैफिक आया है। अभी देखिए सेटिंग वाले पर टिक करते हैं हम, तो सीधा हमको ब्लॉगर की सेटिंग में ले जाएगा। अगर आप एडमिन हैं तब ही आपको ये होगा। और ये आपका कमेंट वाला सेक्शन है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं यहीं से। ये पोस्ट वाला सेक्शन है, नहीं ये थी वाला है, चलिए ठीक है, ये पोस्ट वाला सेक्शन है। इससे आप पोस्ट के जितने लिखे हुए उतने चले जाएंगे, और इसे एडिट कर सकते हैं फर्स्ट वाले बटन से। आप इसमें कुछ एडिट करना है तो आपको एडिट कर सकते हैं, ऐसे चेंज करके सेव कर सकते हैं पोस्ट को देखते टाइम से ही, ठीक है। तो ये सिर्फ एडिटिंग के लिए और डाउनलोड करने के लिए पेज को है, ठीक। अभी इसका हम क्लियर करते हैं कुकीज़, क्योंकि पूरा डिफ़ॉल्ट करना है। तो कुकीज़ क्लियर कर देने से सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, देख सकते हैं आप पूरा डाटा उसका साइट का क्लियर हो जाता है। जैसे कि ऐप का क्लियर होता है वैसे ही साइट का भी होता है। अभी डेस्कटॉप मोड पर आपको दिखा दें इसको, बहुत ही मस्त थीम है, फास्टेस्ट थीम है, मेरे को लगा वर्ल्ड का फास्टेस्ट थीम है, और बहुत ज़्यादा फीचर्स है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। चलिए अभी चलिए मेनू पे दिखाते हैं। यहाँ पे सब मेनू आप दो तीन देख रहे हैं, तो उन्हीं को पहले हम एडिट करेंगे। चल जाते हैं लेआउट में, और इसको वर्क कर देते हैं हम डेस्कटॉप मोड में अच्छे के लिए, ठीक है। इसको नॉर्मल मोड में रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पेज है जो है नीचे, उसको हम करेंगे मेनू के जो पेजेस है। तो इसके लिए आप एडिशनल मेनू में जाएंगे, ये जो है आपका ये दिख रहा है नीचे साइट में डिस्क्लेमर और ये प्राइवेसी पॉलिसी, इन दोनों इन सब के लिए है, तीनों के लिए है। तो आप इस पर नॉर्मली क्लिक करके ये जो फंडा लिखा हुआ है ना, पी करके लिखा हुआ है, उसे हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप पी डालेंगे तो आपका प्राइवेसी आ जाएगा, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा आपका नीचे लिंक आ जाएगा। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ऐसे, ये तो आपको पूरा लिंक डालना पड़ता है। ऐसे डिस्क्लेमर लिखा, डिस्क्लेमर पर टाइप कीजिए, नीचे लिंक आ जाएगा पेज का, उसको सेव कर दीजिए। अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो आपका लिंक लग जाएगा यहाँ पे, मतलब एक कस्टमाइजेशन हो गया, ठीक है। अभी दिखाते हैं डिस्क्लेमर में, हम छोटी सी डिस्क्लेमर लिखी है, ये देखिए छोटा सा डिस्क्लेमर है, मतलब कुछ है नहीं, बस डिस्क्लेमर ही है, क्योंकि हमने पेजेस नहीं बनाए। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे है सोशल आइकन से, तो सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे, इसमें लिंक लिस्ट है ये, तो यहाँ पे आप पूरा लिंक लगा सकते हैं अपना। जैसे कि मैं एक लगा देता हूँ यूट्यूब का, बहुत सारे लिंक वहाँ पे दिखते नहीं है, बट कोई नहीं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे है, ये सबको लगाने आता है, बस यहाँ पे अपना लिंक डाल दो और वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। ये जो है नेविगेशन का पहला वाला मेन्यू है, उसको एडिट कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर नीचे नेविगेशन के मेन्यूज़ हैं, और ये सेकंड नेविगेशन है। सेकंड नेविगेशन समझिए कि जब आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं RTL वर्जन, और ये डाउनलोड दिस थीम के नीचे दो होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस आ गया,
तो ये सेकंड मेनू, तो इसमें भी आप रख सकते हैं अपने पेजेस को। ज़रूरी नहीं है कि आप जाइए वहाँ और HTML को एडिट कीजिए, आप यहीं से भी डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अगर पेजेस डालने हो। तो मैं तो बोलूँगा कि ड्रॉप डाउन मेनू डालना है तो आपको थीम में जाना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली हम यहाँ से पहले फिट कर लेते हैं इसको। मैं बोलूँगा कि अगर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का पेज डालना हो मेनू में तो आप यहीं से डाल सकते हैं, और ड्रॉप डाउन में जब कैटेगरी डालनी हो तो वो भी यहीं से डाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये स्लाइडर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे स्लाइडर को जो होम पेज पर आता है, तो इसको भी कस्टमाइज़ कर देते हैं। यहाँ से एक फ़ोटो ले लेंगे, ये तो आपका पोस्ट का फ़ोटो भी मतलब थंबनेल का फ़ोटो भी लिंक कॉपी करके नीचे डाल सकते हैं। अभी हमने फ़ोटो लिया एक छोटा सा थंबनेल, ये है लिंक और ये है कैप्शन। कैप्शन में आप उसके फ़ोटो के ऊपर कुछ दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट वो डाल सकते हैं, और ये लिंक जो है इसमें आप अपने पोस्ट का लिंक डाल सकते हैं पूरा है, नहीं तो हम देखिए ये पी डॉट डाल के हमने और उसको लिंक डाला है, वो लिंक ही है। अभी आपको पता चलेगा इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको ये अबाउट का पेज खुल गया एकदम सीधे सीधे, लेकिन हमने पूरा लिंक नहीं डाला। आपने देखा होगा हमने केवल सेमी कॉलन डाल के और वो केवल पी डाल के और HTML लिख दिया। अभी पूरे को हम ऑन कर देते हैं ताकि आपको एनिमेशन दिखा सके। ये एनिमेशन ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्पीड स्लो करता है, इसीलिए हम इसको ना रखने के ही बोलेंगे। चलिए अब ऐड दिखाते हैं। भाई साहब ऐड देखो, ऐड जो है ना इतने ही कॉपी करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि लेजी लोड इसमें है, तो इतने ऐड ही कॉपी करने हैं और इसको INS को रखना है। अगर नीचे वाला भी स्क्रिप्ट हटा देंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें लेजी लोड का एडसेंस कोड होता है, उसमें केवल पॉप आईडी डाल देंगे आपका काम पूरा हो जाएगा। अभी के लिए तो इसमें अप्रूवल नहीं है, तो हम सारे ऐड को बंद करेंगे क्योंकि ज़्यादा जगह छेक रहा है वो। चलिए हम सभी ऐड को क्लोज कर देते हैं। लेजी लोड में होता है ना यार, तुमको पूरा कोड डालना ही है, मतलब लगेगा ही नहीं कि साइट पे तुम्हारी कुछ है। ये है आपका जो होता है स्लाइड मेनू यार, हाँ स्लाइड मेनू है ये। इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है देखो, स्लाइड मेनू में जैसे है कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन डाल दिए, उसके बाद पी डाल दिए, फिर सेमी कॉलन, फिर अबाउट डॉट HTML, इसका मतलब मैंने अपने अबाउट अस का पेज डाल दिया। ये फर्स्ट सेमी कॉलन हो जाता है होम का लिंक, होम पेज का लिंक हो जाता है फर्स्ट सेमी कॉलन, और पी अबाउट अस HTML आपका ये देखिए अभी 8 है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ये लिख के आ गया अबाउट अस। इस पर क्लिक करेंगे तो अपने अबाउट अस वाले पेज पे पहुँच जाएंगे, ये सब देख सकते हैं। अब आप जो भी जब आई पोस्ट लिखते हैं, जब आप ओ माय गॉड छोड़ो, जब पोस्ट लिखते हैं तो देखिए ये सर्च वाला बटन है, अभी इसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए भी कि आपको कोई सर्च पर क्लिक करता है तो आपको एडवेंचर दिख रहा है अभी, तो हमने अभी बवाल मतलब लिखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके मतलब थीम जैसा भी कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बवाल लिख सकते हैं, टेक लिख सकते हैं, व्हाट्सएप लिख सकते हैं, कुछ भी। जब भी बंदा उस पर टाइप करेगा तो वो सब आएगा, ठीक है। ये नीचे से आपको ये क्या है, चलिए पहले इसको होम पे लेके जाते हैं। यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। नीचे वाले को भी हम कस्टमाइज़ करेंगे, मेल ड्राइव कॉपी वाला। अभी के लिए बस इसको देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स इसमें पहले से एडेड है। अब ये देखिए लैंडिंग पेज और ये सब मैंने उसको सबसे भारी काम होने वाला है, तो उसी को सबसे पहले एडिट करते हैं, ठीक है। इसमें तुमको कोड खोजना पड़ेगा कहाँ पे सब मैंने लिखा है, लैंडिंग पेज लिखा है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे करके ये लिंक लिस्ट देख सकते हो जहाँ भी होगा। ये इमेज जो है 1234 ये स्लाइडर की इमेज है, तो उसको पहचानने में मतलब ढूंढने में ठीक हो जाता है, लेकिन वो मेनू वाला नहीं मिलता है। तो मेनू वाला नहीं मिलता है तो कैसे भी तो खोजना पड़ेगा ना उसको, तो उसके लिए हमने ये जो है फाइल एक ऐप रखी है ट्रेब एडिट नाम की, उसी में खोलेंगे। कोडिंग की ऐप है ट्रेब एडिट, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च का बटन मिल जाता है, क्योंकि हमारे मतलब क्रोम में कंट्रोल और एफ काम नहीं करता सर्च करने के लिए। तो अभी हम लैंडिंग पेज सर्च करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को पता लगाना है कहाँ पे लिखा हुआ लैंडिंग पेज। देख सकते हैं इस लाइन में लिखा हुआ 1900 कुछ लाइन में। तो अब हम जाएंगे अपने थीम में और अपने देखेंगे कि 1900 से कहाँ से स्टार्ट है, 1914 1903 1902। देख सकते हैं यहाँ पे लैंड मतलब लैंडिंग पेज लिखा हुआ, तो इसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट डिलीट हुआ, ऊपर का SVG आइकन तो ही बाकी है।
तो सबसे पहले ये जो पीला वाला कलर है आइकन का, इसको उठाएंगे यहाँ से और पूरा क्लास लेकर इसको नीचे तक ले एलआई तक इसको लपेट देंगे। ऐसे करके एक हमने डिलीट कर दिया है वहाँ से। तो अब ये सब मेनू देखिए, सब मेनू है, उसके नीचे 1 2 3 4 करके है, तो सब मेनू है। इसमें आप कैटेगरी डालिए, कोडिंग डालिए या फीचर्स डालिए, कुछ भी डालिए, आपको सब मेनू डालना है। जिस पर क्लिक होकर वो ड्रॉप डाउन आएगा और उसमें बंदे को दिखेगा बहुत सारा ऑप्शन, ठीक है। अपन कैटेगरी डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अब लिखेंगे आपकी कैटेगरी में कौन कौन से टैग्स हैं, मतलब कैटेगरी कौन कौन से, टेक्नोलॉजी कैटेगरी है या आप HTML या CSS किसी चीज़ पे भी लिखते होंगे। स्पोर्ट की कैटेगरी है आपकी, तो स्पोर्ट्स डाल सकते हैं। ये सब मेनू फॉर की जगह आप सब्सक्राइब डाल सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, यही बोलना है। और यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं अपने, यहाँ पे तो मेरे पास एक भी लिंक नहीं है, तो मैं नॉर्मली टाइप कर देता हूँ www.google.com, जो कि नहीं खुलेगा क्योंकि www इस पर सपोर्टेड नहीं है। अभी हमने ये एक पोस्ट में लिंक डाल दिया अपने साइट का, चलो ठीक है, लेकिन HTTP लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हमने होम का लिंक ही डाल दिया, देख सकते हैं, वो हमने एक सेमी कोलन डाल दिया उसका, उस टाइप इसको बोलते हैं स्लैश बोलते हैं, स्लैश डाल दिया, काम हो गया हमारा, होम पेज हो गया, वहीं समझ जाओ, स्लैश मतलब कि होम पेज। और ऊपर वाले में हमने एक लिंक डाल दिया। अब सोचते हैं कि ये जो है इतना सारा सब मेनू मेरे को नहीं रखना है, मान लीजिए ये दूसरा सब मेनू है, तो इसमें हम सर्विसेज एक में डाल देते हैं, मतलब सर्विसेज पे क्लिक होगा तो ये ड्रॉप डाउन खुलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन डाल दीजिए, आपका जो मन है वो डाल सकते हैं। ये दूसरा सब मेनू है, जैसे कि दो दो ड्रॉप डाउन आते हैं, तो पहले वाला ड्रॉप डाउन तो हमने सेटअप कर लिया है, दूसरा वाला है उसमें हमने सर्विसेज लिखा, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, उसके बाद उसका लिंक डाल दीजिए वहाँ पे जहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक स्लैश डाल दिया, CSS डाल दिया, स्लैश मतलब कि होम पेज पे जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी CSS का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे HTML डाल देते हैं, और इसका लिंक क्या डाले, HTML.html डाल देते हैं। जब ये पोस्ट लिखेंगे तो उसका नाम केवल HTML रख लीजिएगा, उसे ये लिंक भी वर्किंग हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो 404 जाएगा, ठीक है। और ये है मेनू 4, तो मेनू 4 मेरे को नहीं रखना है, बहुत सारा हो गया है, ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ दे दी है। तो इस LI को हम लपेट कर यहाँ से LI तक डिलीट कर देंगे, ठीक है, ताकि मेनू जो है हमारा ड्रॉप डाउन बना रहे, थोड़ा मोड़ा एरर आएगा, इसको भी हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमने कुछ कोड डिलीट किया है, तो कुछ कोड ऐड करने पड़ेंगे, वो हमको ब्लॉगर बाद में बता देगा, क्योंकि हमने LI को ही डिलीट किया है तो LI ही मांगना चाहिए मेरे को लगता है। चलिए अभी रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, पहले तो अभी देख ले, देखिए आ गया एरर, बोल रहा है कि LI का एक टैग डालिए, लिस्ट टैग, तो अभी हम डाल देते हैं इतने वाले नंबर में 1999। चलो यहाँ पे डाल देते हैं एक क्लोज टैग डाल देते हैं LI का, क्लोज 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 करके LI टैग, ठीक है। फिर वेट करते हैं, देखते हैं, देखिए अपडेट हो गया, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा सब कुछ, देख सकते हैं, कैटेगरी गया, मतलब ये लैंडिंग पेज गया अपने घर, और यहाँ कैटेगरी और सर्विसेज है जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन और HTML है, हमने HTTP नहीं लगाया है इसलिए ये 404 है, ठीक है। आपको वहाँ पे लिंक एकदम नॉर्मल डालने हैं, हैज़ लिखा हुआ है जहाँ पे, आपको लिंक डालने हैं, और जहाँ पर पी लिख कर है वहाँ पर आपका केवल आगे वाला लिंक चाहिए, आपका डोमेन नहीं चाहिए, स्लैश लगा कर पी लगा कर अपने आगे वाले डोमेन का जितना भी पेज का URL है वो डालना है बस, ठीक है। यहाँ पे होम है, फिर से ये तो नीचे वाली बात होगी। अब देखो डाउनलोड दिस थीम, इसको कैसे हटाना है, तो पहले खोजेंगे इसको कहाँ पे है, तो ये रहा ये 2200 कुछ पेज में, तो हम स्लाइड करके जाते हैं वहाँ पे, किस पेज में था यार, लाइन नंबर देख लेते हैं हम पहले, ये रहा लाइन नंबर मिल गया हमको, और ये है अबाउट अस का, तो पहले इसी को डिलीट करेंगे हम, जो आपको दिख रहा है ऊपर अबाउट अस जो एक मैन का आइकन देखे हुआ है, इसका ये लिंक है, तो हम इसमें डिस्क्लेमर का डालेंगे क्योंकि हमने अबाउट अस पहले से डाल दिया है ऊपर, ठीक है, तो इसको डिस्क्लेमर ऐसे कर देते हैं। कुछ भी लिंक डाल सकते हैं आप वहाँ पर,
पी डालकर आपको केवल लिंक के पेज के आगे वाले लिंक डालना है, ठीक है। ये अबाउट अस हट जाएगा, अब डिस्क्लेमर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे के जो है हम इनको डिलीट कर देते हैं कॉन्टैक्ट को, क्योंकि हम नीचे दे देंगे कॉन्टैक्ट का एक अलग से पेज। और ये क्या है, इसको भी हम डिलीट ही करेंगे, नहीं ये तो सेफ लिंक है, इसको नहीं डिलीट करेंगे। ये RTL वर्ज़न और डाउनलोड दिस थीम, इसको हमको हटाना है ना, क्योंकि RTL वर्ज़न तो होता है इंडोनेशियन लोगों के लिए, तो इंडोनेशिया से अगर ट्रैफिक आता हो तो रख सकते हैं हम, अभी के लिए इसको हटाएंगे। तो RTL वर्ज़न हटाने के लिए सबसे पहले पीले वाले कलर, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको वहाँ से पकड़ेंगे और नीचे तक इसको लपेट देंगे। ये जो लिंक दिया हुआ है नोडल ब्लॉग का, ये है डाउनलोड दिस थीम का, तो इसको भी हमको हटाना है। तो ये डाउनलोड दिस थीम जो है LI जिसका मतलब ख़त्म हो गया है वहाँ से लेना है, और यहाँ तक इसको कट कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट हैज़ टू, मतलब हैज़ डालना है URL में, तो हम उसको अभी LI तक डिलीट करेंगे। यहाँ पर रेड हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, चलिए वो सेव करते टाइम हमको पता लगेगा क्या गड़बड़ है। ब्लॉगर खुद बता देता है कि आपकी कोडिंग में क्या गड़बड़ है, मतलब 4000 लाइन का रहेगा तो वो बता देगा कहाँ पे गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पे भी LI टैग छूट गया, ठीक है, चलो LI टैग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ब्लॉगर मतलब पहचान जाता है कि कहाँ कहाँ पे, अभी भी एक इरर है, चलो पहले सेव करते हैं। जितना भी इरर होगा लाइन बाई लाइन आप सेव करके देख सकते हैं क्या क्या इरर है, लेकिन जब आपसे बॉर्डर और हेडर, जब बॉडी क्लॉज बॉडी अगर ऐड करवाने लगे ऊपर ही, समझिए कोड में थोड़ा दिक्कत हो गया, वहाँ पे आप मत छेड़िएगा। अब आपके पास रीस्टोर का ही एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, हम तो यहाँ पे इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं आपकी बार, ये भी रेडी है। चलो एक UL टैग छूटा है शायद लास्ट वाला, ये मेन होता है, अब ग्रीन हो गया, अब नहीं होगा, अब सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। ये हो गया अपडेट, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ से वो सब भी गायब हो जाएगा, देख सकते हैं वो सब भी गायब हो गया। अब केवल सेफ लिंक और डिस्क्लेमर बचा है, जो कि अबाउट अस था, हमने डिस्क्लेमर कर दिया यार, वहाँ पे तो बंदे का पिक्चर है, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे अबाउट अस फिर से कर लेंगे। और देखो इसमें जो है हमारे लिंक सभी 404 जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छे से लगाया नहीं। तो लिंक आपको एक काम करना है, कॉपी करके कीप नोट्स में आपके सारे पेजेस का और आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का रख लेना, जैसे कि हमने रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मेनू हमने आपको एडिट करना सिखा दिया, और ये जो टेक्स्ट मतलब कि नोटिफिकेशन आ रहा है, और ये जो स्लाइड मेनू है इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये आप रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा सट जाएगा ऊपर तक, देख सकते हैं। स्लाइड मेनू अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि पोस्ट के ऊपर भी दिखता है, तो कैटेगरी उसमें डाल सकते हैं ताकि बंदों को पता लगता रहे कि हाँ भाई इतने इतने कैटेगरी पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए वो सब हम हटा देते हैं, पहले पोस्ट में जाते हैं। हाँ, पहले कैटेगराइज पोस्ट करने के लिए पहले आपको कैटेगरी में डालना होगा। देखिए वहाँ पे मतलब कैटेगराइज पोस्ट का मतलब है कि किस कैटेगरी में आपके कौन कौन सी पोस्ट है। तो अभी सुपर नाम से एक बनाते हैं और मैनेज करते हैं सबको। यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट है अभी हम मैनेज करेंगे और 2-3 पोस्ट और इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसी पोस्ट के इतने ही, मतलब कि ये सभी दिखेंगे वहाँ पे कैटेगराइज पोस्ट में। देखिए यहाँ पे कैटेगराइज पोस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे सुपर लिख देंगे, क्योंकि हमारे मतलब कि कैटेगरी का नाम क्या है, टैग का सुपर है। तो ये कैटेगराइज पोस्ट को हटाकर आप कुछ भी डाल सकते हैं, टेक नाम से अगर आपका लेबल है तो आप यहाँ पे ऊपर टेक डालकर नीचे भी टेक डाल देंगे, हो जाएगा। अभी हम होम पेज पे जाएंगे देखने के लिए वो कैटेगराइज पोस्ट का। तो यहाँ तो हाँ देखिए सुपर हो गया, सुपर पोस्ट, और यहाँ पे वही आएंगे जिसको आपने उस कैटेगरी में रखा होगा। ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। यहाँ पर हमने 6-7 पोस्ट ही डाली है तो ज़्यादा नहीं दिखेगा इसमें मेरे को लगता है। देखिए नोट फाउंड हो गया, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे पूरे 10-12 पोस्ट है, उसमें 6-7 पोस्ट ही हमने ऐड की थी। चलिए ये भी आप समझ गए कैटेगराइज पोस्ट का क्या मतलब है और इसको कैसे लगाना है। और अब बात आती है सेफ लिंक की। तो भैया सेफ लिंक के लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा एक पेज, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मतलब मिलता भी नहीं सेफ लिंक का पेज। तो ऊपर तुमको सेफ लिंक जनरेटर लिख देना है,
अभी हम सेफलिंक जनरेटर ना लिख करके सेफलिंक लिखेंगे, और यहाँ से मेरे पास पेज है सेफलिंक का, इसको हम उठाएंगे यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी करेंगे केवल, और इसको इसके यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके लपेट देंगे इसी पे, और पेस्ट किया आपने। और इसमें एक लिंक चेंज करना पड़ता है, लेकिन अभी हम कंफर्म करेंगे क्योंकि हमको हमारा लिंक अभी बनाना है। अभी यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं यार, और सेफ लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कि लिंक वर्किंग है कि नहीं। ओके क्लिक देयर, चलिए 404 है, कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक किया जाएगा। यहाँ से इसको लिंक कॉपी करते हैं पेज का, सेफ लिंक पेज का, और पहले तो नॉर्मल हो जाता है मोबाइल में, अच्छे से एडिट होता है लिंक। और इसमें एक जगह लिंक डालने को दिया होगा, मेरे को लगता है ऊपर ही दिया होगा। प्लस यूआई जो है ना प्रीमियम थीम है, और ये सब आपको ना सागर बिश्नोई नाम का एक बंदा है टेलीग्राम पर, और उसका रियल सागर, मतलब रियल हाइफन डाल के सागर है, रियल अंडरस्कोर सागर है, उससे आप ख़रीद सकते हैं। नहीं तो प्लस यूआई सर्च करेंगे तो उसका मतलब कि टेलीग्राम पर ग्रुप आता है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि इसका नूडल कोई मतलब यूज़ करे, नूडल वर्जन या क्रैक वर्जन, हम बस केवल इसको सिखाने के लिए करें। तो हमने वहाँ पे पेज लिंक डाल दिया है इसका, आप नहीं भी डालेंगे वहाँ पे तो कोई बात नहीं है। अभी देखिए सेफ लिंक खोल के देखते हैं फिर से, मेरे को लगता है यार देखो यहाँ पे सेफ लिंक जनरेटर लिखा हुआ है यार, ये जो दिक्कत है ना, पहले इसको लिंक को देख लेते हैं, पेजेस में जाएंगे इसको लिंक को देखेंगे क्या है। सेफ लिंक 14-15 है ये, तो यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है सेफ लिंक। 5 जगह है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं ऊपर नीचे करके, मेरे को लगता है यही वाला है। देखो यार बहुत जगह पे रख दिया है ना, चलो सेफ लिंक ना सर्च करेंगे। आरटीएल, आरटीएल तो बहुत है यार, कैसे इसको पहचान में लाए। हाँ चलो सब मेनू सर्च कर रहे थे क्योंकि वो थीम में बहुत ही कम है, ठीक है सब मेनू सर्च करते हैं, उसके बाद आसपास में ही मिल जाएगा मेरे को क्योंकि उसके नीचे ही है। चलो इसका लाइन है 1904-1905 ऐसे, तो अभी हम नीचे जाएंगे, उस पर क्लिक करके जल्दी से नीचे आ सकते हैं। 1905 के नीचे देखेंगे हम, जो हमने सब मेनू बनाया है, सेफ लिंक हमको देखना है बस कहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो होम का है, यहाँ पे सेफ लिंक अपने को ढूंढना है। चलो मिल गया सेफ लिंक, और ये रहा पी डॉट करके सेफलिंक जनरेटर डॉट एच टी में लिखा हुआ है, देखो कितना गलत बात है यार। हमारा क्या लिंक है, सेफलिंक 16 उसका डाल के 16 है, ठीक है तो इसको हम हटाएंगे, और यहाँ पे सेफलिंक 16 लिखेंगे, और नीचे एक लाइन भी है, ठीक है तो 16 से पहले जाएंगे और यहाँ पे वो लाइन डाल देंगे और इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब हमारा सेफलिंक जो है 100% वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर URL चेंज कर दिया है। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं डबल मतलब लॉन्ग प्रेस से, और यहाँ पे क्लिक करके सेफ लिंक पे क्लिक करते हैं। सेफ लिंक पेज सबको मतलब वर्किंग नहीं मिलता है, लेकिन ये वर्किंग सेफ लिंक पेज है, इसको भी अगर आप बाई करते हैं तो आप वहीं से बाई कीजिए, टेलीग्राम पे हम इसको प्रोवाइड नहीं करा सकते, ठीक है। अभी हम इस लिंक को शॉर्ट करके दिखाते हैं, इसको वेव करते हैं यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आता है मतलब आपके होम पेज पे जाएगा, और यहाँ से आई एम नॉट ए रोबोट ऐसे क्लिक कराएगा और आपके रैंडम पोस्ट पे फिर से जाएगा, मतलब जो ही बंदा इसको क्लिक करेगा सबसे पहले होम पे जाएगा, उसके बाद किसी मतलब पेज पे जाएगा आपके पोस्ट के, और वहाँ से बंदा यहाँ से गो टू लिंक करके देख सकते हैं हम यहाँ के साइड पर आ गए हैं। तो ये जो है पूरा वर्किंग है, अभी इसको हम बैक करेंगे। थीम को पता नहीं था किसी ने बनाया है कि मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिंक चेंज कर देना है, लिंक चेंज करना ही है यार उसको, नहीं तो आप सेफ लिंक जनरेटर लिख सकते हैं, फिर भी मेरे को लगता है दिक्कत आएगा। लेकिन आप पेज जब बनाएंगे सेफ लिंक जनरेटर नाम से, आप पहले URL देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सब तो हो ही गया, मेनू बन गया, और ये जो बाय मी विथ कॉफ़ी वाला है ना, वहाँ पे नीचे जो इंट्रोडक्शन का अबाउट का है उसको ठीक करना है। तो ये जो डी लिखा आ रहा है इसको कैसे चेंज करना है, यहाँ पर बाय विथ मी ये कॉपी है, यहाँ पे एक इमेज का लिंक डालना पड़ेगा हमको। तो इमेज कहाँ से ले भाई साहब, कहीं से ले लेते हैं,
प्रोफाइल इमेज ले लेते हैं, ये बंदे का इमेज ले लेते हैं अपन विजिट, और इसका लिंक कॉपी करेंगे केवल बंदे का। बंदा स्क्वायर में नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपके पास स्क्वायर फ़ोटो नहीं है तो आप पिक्सआर्ट से काट कर गोल उसको बना सकते हैं, या फिर स्क्वायर कर बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपना लिंक डालते हैं अभी, तो फ़ोटो का लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, JPG डाल दिया गया है, और यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लर्न ब्लॉगिंग विथ नहीं ऐसा कुछ करके, तो हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट डिज़ाइन ऐसा कुछ लिख देंगे, जो आप लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने अबाउट के नीचे, छोटा सा दिखेगा। ये आपका वेबसाइट का नेम है, तो आप पहले वेबसाइट नेम डालिए, और ये पी में जो है आपका थोड़ा मोड़ा डाल दीजिए कि हमारे यहाँ सर्विस ये अवेलेबल है, वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, केवल 1500 रुपीज़ में हम आपको मतलब वेबसाइट बना कर देते हैं। केवल डिज़ाइनिंग का कोर्स है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वेबसाइट लिखे आ गया, और नीचे डिज़ाइनिंग अवेलेबल ये सब लिख के आ गया। अब ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब आ गया, और यहाँ पर फ़ोटो आ गया, तो देख सकते हैं अभी गोल फोटो नहीं है, आप पहले स्क्वायर फ़ोटो रख लीजिएगा उसके बाद ही कीजिएगा। और नीचे था आपका क्या था, इंस्टाग्राम ये सब था, चलो छोड़ो, पहले तो इसको फ़ोटो को ठीक करते हैं, गोल फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएंगे गैलरी में, और यहाँ से मेरा एक लोगो है, बहुत ही पुराना लोगो है, HD लोगो तो हमने खो दिया है, लेकिन ये छोटा मोटा लोगो पड़ा हुआ है। चलो ये तो स्क्वायर है, लेकिन ब्लैक ब्लैक है पीछे, कोई बात नहीं। इसका लिंक सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कीजिएगा, ऐसे ही कॉपी मत कीजिएगा, पूरा सिलेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट ऑल किया। और ये कॉपी वाले भैया में जाएंगे, और यहाँ पे इस लिंक को चेंज कर देंगे, हो गया लिंक चेंज, और इसको सेव करेंगे, और इसको रिफ्रेश करेंगे। पहले इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आइकन से, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक, बस इसमें लिंक डालने हैं, मतलब है जो है उस पर लिंक डालना है। तो आप लोग भी ऐसा ही कर लीजिएगा, ये मैंने कुछ रखे हैं पहले से, इसको मैं सीधा कॉपी करूँगा, एक एक कॉपी नहीं कर सकता मैं, यहाँ से आऊँगा और यहाँ से एक एक मेरे को मिल जाएगा। ये तो कुछ कुछ फ़ायदा है इसका क्लिपबोर्ड का। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक कहाँ है ये रहा, और ये यूट्यूब का लिंक, और यहाँ लाइकडिन का लिंक, यूट्यूब का लिंक नहीं लिया, चलो ठीक है, लाइकडिन का लिंक कहाँ है ये रहा, और यूट्यूब का लिंक में फिर से डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ से इसको सेव करेंगे, सबको देख सकते हैं कितना फास्ट हुआ काम। अगर आपके पास लिंक है तो उसको कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा अच्छे से, मतलब फास्ट हो जाएगा काम आपका। और यहाँ पर मैं फेसबुक पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे, देख सकते हैं फ़ोटो भी चेंज हो गया था हमारा, फ़ोटो चेंज हो गया है, लेकिन ब्लैक ब्लैक आ रहा है, क्योंकि ब्लैक है, PNG में फ़ोटो नहीं है, JPG में। इंस्टाग्राम है ये वाला, ठीक है, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो तो, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं कुछ कुछ है, चलिए सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो आप इसमें पेज डाल दीजिए, क्योंकि नीचे फ़ोटो में पेज मांगते हैं ना, तो इसमें पेज डाल सकते हैं। इसमें 3 दिया हुआ है, अगर आपके पास ज़्यादा सर्विसेज है तो आप सबको सब में डाल सकते हैं। अपन यहाँ पे अभी नॉर्मल डालेगा पेज का, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेज भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही नया साइट है, तो अपन केवल अबाउट अस और ये HTML ब्लॉग के लिए तो हमें पता ही है, एक स्लैश डाल देना है, बस आपका हो गया होम पेज वाला। चलो डिस्क्लेमर डालिए, चलो कोई बात नहीं है, होम पेज पे ही रिडायरेक्ट होना है उसको, अगर इसको चाहे तो ऑफ़ कर लीजिए, क्योंकि हमको तो उतना ज़रूरत नहीं, रिमूव भी कर सकते हैं, केवल हमारे पास एक ही में डाल सकते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब। और ये जो है आपका क्या बोलते थे यार उसको, क्रेडिट है, क्रेडिट आप मत चेंज कीजिए, क्रेडिट आपका नीचे आप ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं इतना डिज़ाइन तो हो गया, अब क्या डिज़ाइन बाकी है देख लेते हैं अच्छे से। नीचे आपके कुछ कुछ एड्स हैं, बैक टू टॉप बटन तो ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखिए ऐड दिया हुआ है मोबाइल ओनली में, मतलब एंकर ऐड है, इसको सेव करके अभी रिफ्रेश करने के बाद नीचे से एक ऐड आता है, ये वाला ऐड देख सकते हैं, तो एंकर ऐड का सपोर्ट इसमें मिल गया है आपको, लेकिन इससे होता क्या है कि ऊपर से भी नीचे से भी दोनों ओर से ऐड आ जाता है ना, तो दिक्कत होता है, लेकिन क्लिक आते हैं उसी पे बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। 404 ही तो आप जानते ही हैं,
404 हिलता रहता है उसमें, और ये इंटरनेट कनेक्शन वाला है कि जब आप इंटरनेट ऑफ़ कर देंगे तो वो वैसा एक एरर आ जाएगा, मतलब कोई बंदा पीडीएफ पढ़ रहा है आपकी साइट पे तो डाटा ऑफ करके नहीं पढ़ सकता है, मतलब डाटा ऑफ कर देगा तो ऐड नहीं दिखेंगे, तो आपको वो वाला एरर शो हो जाएगा। ये अच्छी बात है जो लोग मतलब कुछ अच्छा यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं देखने वाला। ये कंट्री ब्लॉक है, यहाँ पे अगर आप इंग्लैंड को ब्लॉक करना चाहते हैं, इंडोनेशिया ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका शॉर्ट कोड आता है, इंडिया का IN होता है, वहाँ पे IN लिख के आप इंडिया के लिए भी ब्लॉक कर सकते हैं। और ये कुकीज़ कॉन्टेक्स्ट, ये मेरे को नहीं पता लेकिन इसको, हाँ देखिए इसको यूज़ कब होता है, पहले इसका हम कुकीज़ क्लियर कर देते हैं, पूरा मतलब साइट रीसेट करते हैं तो नीचे से एक आता है पॉपअप करके, ये जो होता है आपके साइट पे जो ट्रैफिक आता है उसको एनालाइज करने के लिए होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा मतलब एनालिटिक्स पर, क्या बोलते हैं यार, एनालिटिक्स के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ भाई ये बंदा आया है तुम्हारी साइट पे, तो ऐसे मतलब ट्रैफिक लेने के लिए ठीक है, ट्रैफिक का पता लगाने के लिए। देखिए अभी इसको हमने मतलब ऑफ़ कर दिया तो अब वो नीचे से स्लाइड होकर नहीं आएगा एक्सेप्ट कराने के लिए, ये बात ठीक है, देख सकते अभी नहीं आया तो आएगा नहीं, तो उसको ना ही रखो तो ठीक है यार। थीम कलर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या है ना ऑटोमेटिक चेंज करने वाला बनाने वाले हैं, टेलीग्राम पे इसका हम लिंक देंगे। जब थीम हमने बनाया है ऑटोमेटिक कलर चेंज का, ये बुकमार्क वाला ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट हो गया। और ये बहुत सारे ऑप्शन है यार, बहुत सारे नए नए फीचर्स है इसमें, आपको पोस्ट लिखने के बहुत सारे सारे डिज़ाइंस है, तो आप अपने पेजेस तो डाल ही सकते हैं, नॉर्मल सा एकदम डिज़ाइन है, अभी कुछ कुछ छूटा होगा हमारे यहाँ से, देख लेते हैं। सेफ लिंक वर्किंग है, चलिए सब कुछ वर्किंग है, और ऐसा कुछ करके आप अपना जो है फ्लश जो का थीम मतलब कि बना सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको बनाना है, और कोई भी अगर फाइल डाउनलोड करवाना है ड्राइव का भी, तो आप यहाँ पे कॉपी लिंक करके यहाँ से अपने ब्लॉग से गुजार करके थोड़ा मोटा ट्रैफिक से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिज़ाइन, ये साइट अंडर मेंटेनेंस होता है भाई साहब, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, देखो अभी दिखाए थे रिफ्रेश करके, कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर से साइट खुल जाती है, कोई बात नहीं। सेफलिंक भी डन हो गया और हमारा काम भी डन हो गया। अभी आपको हम दिखाएंगे कि लेजी लोड का सेटअप कैसे करना है। जैसे कि हम एडिट HTML में जाते हैं तो सबसे नीचे आपको चला जाना है, तो हम सबसे नीचे अभी चले जाते हैं। देखिए सबसे नीचे हम आ गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको यहाँ पे पब आईडी डालने के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है, तो ये जो है आप तो यहाँ पे पब आईडी अपना डाल देना है, CA पब करके, और कुछ नंबर्स होते हैं कुछ अंक हैं जैसे ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरा देखिए क्या है, मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए पब आईडी यहाँ पे मेंशन है हमारी, ये वाली पब आईडी जो है आपको इतना सा कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको हम हटाते हैं अभी, और यहाँ पे पेस्ट करके और इसको सेव कर देंगे। लेकिन लेजी लोड आपने डाल लिया तो ये बात नहीं है कि आपके साइट पे मतलब एड्स शो होने लगेंगे नॉर्मली, पहले इसको सेव हो जाने देते हैं। सेव हो जाने देने के बाद आपको पोस्ट में आना है। अगर आपने पहले से कुछ ऐड होते हैं जो आपने मैनुअली सेटअप किए होते हैं, तो बहुत लोग जो होते हैं तेज बनकर कि इसी के बीच में ऐड जो होते हैं ऐसे लाएंगे, देखो कैसे मैं एक दिखा देता हूँ, कुछ लोग बंदे क्या करते हैं कि इतना सारा ऐसे पकड़ेंगे और इसको उठाकर सीधे ले जाके ब्लॉग की पोस्ट में यहाँ पे कहीं भी, जहाँ पर देखो यहाँ H3 ख़त्म हुआ है, तो ऐसे करेंगे यहाँ पे साइज़ बना के और यहाँ पे पेस्ट कर देते। भाई साहब ये जो डिज़ाइन है ना मतलब तरीका ही गलत है, आपको जब लेजी लोड यूज़ करना है तो ये जो ऊपर का कोड है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कभी भी यूज़ नहीं करना है, इसको आप हरदम से डिलीट रखिए। आपके ऐड का नाम आना चाहिए पॉप ऐड, ये जो HGG है, और ये जो आपका ऐड कोड है वो आना चाहिए बस। आप चाहे तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर देंगे कोई बात नहीं, आपका बस इतने में भी शो हो जाएगा, उसके बाद इसको अभी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा पब्लिश मतलब डाला हुआ है, जैसे कि ये वाला कोड भी बहुत जगह पे ऐसे यहाँ पे डाल दिया और नीचे करके कहीं पे भी ऐसे डाला हुआ है, तो भाई सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आपको, जो ये ऊपर वाला कोड है INS से ऊपर ये स्क्रिप्ट कोड है, इसको हर पोस्ट में से निकालना पड़ेगा, नहीं तो स्पीड जो है आपकी नहीं बढ़ेगी, ये बात सुन लीजिए पूरी पूरी। आपको ऊपर वाला कोड हरदम से निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है स्पीड में इजाफा मिलेगा, मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि मतलब साइट पे ऐड है। तो ये जो फंडा है बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि लेजी लोड तो हम सेटअप कर लिए फिर भी हमारा स्पीड क्यों नहीं बढ़ा। तो भाई साहब अगर आप पोस्ट के अंदर डाले हुए हैं ऐड और ऊपर का कोड भी है एडसेंस का, तो कैसे होगा यार, ऐसे नहीं हो सकता है। जब भी आप ऐड डालेंगे तो आपको ये जो है ऊपर वाला स्क्रिप्ट हटा देना है। देखिए अभी पूरा ऐड नहीं डाले हैं, ये पूरा ऐड है, तो इसमें से देखिए ये वाला ऐड कभी मत डालिए, आपके साइट में कहीं भी नहीं होना चाहिए, केवल पब आईडी डाल दीजिए वहाँ पर,
लेजी लोड एडसेंस वाले कोड में, ये छोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्क्रिप्ट से, छोटा मोटा है पुश देने के लिए। लेकिन ऊपर वाला कोड कभी मत डालिए INS से कॉपी करके, और INS जहाँ तक खत्म है वहीं तक डालिए, प्लस यही बस इतना ही जरूरत, इसको भी हटा देने को बोल रहा है। तो इतना INS वाला कॉपी कीजिए कि मैंने कॉन्टेंट कॉपी करके रखना है केवल, ठीक है। इससे जो होगा आपका जो ब्लॉग है सुपर फास्ट स्पीड में हो जाएगा। ये जो है आपको अब पता लग गया हो कि लेजी लोड कैसे सेटअप करते हैं। केवल थीम में सबसे नीचे जाकर अपना पॉप आईडी चेंज करना है, और आपको पोस्ट में आते समय यहाँ पर देखिए अब लेआउट में आके हम समझाते हैं। वैसे देखो लेआउट में बहुत लोग गलती करेंगे कि आएंगे यहाँ पे और जहाँ पे एड्स है, देखो जहाँ से ये हो गया एड प्लेसमेंट, अंडर हेड ऐड है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे करेंगे पहले तो इसको ऑन करेंगे, और बहुत बंदे आते हैं और यहाँ पर ऐसे लपेट के डाल देंगे। तो वैसे ये जो है ना गलत तरीका है यार लेजी लोड एडसेंस डालने का, आपको ये वाला ऊपर वाला कभी डालना ही नहीं, ठीक है। नीचे वाला भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, जिससे मतलब आपको मतलब अच्छा लगेगा, साइट को अच्छा लगेगा और स्पीड जो है आपकी बरकरार रहेगी, ठीक है। तो कोई भी ऊपर वाला स्क्रिप्ट यूज़ मत करना, केवल पब आईडी डालना थीम में, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। उससे आपकी साइट पे जो है थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अभी एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं अपनी साइट की स्पीड का, देख लो ये वाली थीम है हमारी जेट थीम है, और यहाँ पर देख सकते हो कितना इजाफा है यहाँ पर, 100 मतलब 90-100 के पास पास है ये, 97-98-96-99, मतलब ये पोस्ट है जिसका ये स्पीड है। ये जो है ये होम पेज का हो सकता है, नहीं तो किसी कैटेगरी का हो सकता है, क्योंकि हमने स्लाइडर यूज़ किया है तो वो थोड़ा उसमें 4-5 फोटोज़ है जो मतलब थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते हैं, लेकिन फिर भी 89-89-83 और ये 60 हुआ है यूट्यूब वीडियो एम्बेड करने के चलते। इसमें यूट्यूब वीडियो करेंगे तो उसमें भी लेजी लोड आ गया है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। और कंटेंट में भी अगर आप यूट्यूब का वीडियो यूज़ करते हैं तो वो रैंक करता है जल्दी, मैंने ऐसा देखा है, लेकिन आप यूज़ करिए ना करें, स्पीड तो कम हो जाती है यूट्यूब का एड मतलब कि यूट्यूब का यूज़ करने से वीडियो। तो ये जो स्पीड है आपको मिलेगी प्लस UI में एकदम 100% मिलेगी, इससे भी ज़्यादा मिल सकती है। ये जो 60-83 ये सब है ये भी नहीं मिलेगा आपको, बस लेजी लोड अच्छे से सेटअप करना है। गूगल एनालिटिक का जो जी टैग होता है वो नहीं डालना है, क्योंकि वो उसमें पहले से ही बना हुआ है, ये पहले मैं आपको बता दूँ, जी टैग उसमें नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। केवल पब आईडी डालनी है, बस आपका काम हो गया, आपका थीम सेटअप हो गया, केवल मेनू ऊपर से डिज़ाइन कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है आपके प्लस UI को कस्टमाइजेशन करने का। अब रियल टाइम व्यू वाला जो है वो हमने ट्राई किया, लेकिन वो भी एरर में चल रहा है, तो रियल टाइम व्यू भी थोड़ा दिन में हम बना देंगे अगर वीडियो अगर टाइम मिलेगा अपने को। तो ये जो प्लस UI का पूरा कस्टमाइजेशन है हमने आपको बताया, ठीक है, ऐसा आपको समझ में आया होगा और आप कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट डिज़ाइन का हमारे पास चल ही रहा है। अगर आपको कैसे वेबसाइट इसको भी डिज़ाइन करवाना हो तो हम डिज़ाइन करके दे सकते हैं, बहुत ही कम लागत में दे सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तब। तो भाई साहब ये होता है नॉर्मल जो आपका प्लस UI है उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है, और भी प्रो लेवल कस्टमाइजेशन है, हमने भी कुछ कुछ चीज़ें छोड़ी है अगर आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा ही छोड़ दी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।